प्याज और लहसुन जो हमारे किचन में अवेलेबल है, क्या उसे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं? क्योंकि ओल्ड वाइव्स जो है वो बातें ऐसे ही कुछ बताती हैं। हे गाइज, आप सबकी कुछ ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं कि प्याज और लहसुन में ऐसी क्या खासियत है, कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी आसानी से महसूस कर सकती है, ओल्ड वाइव्स का बताया हुआ संकेत उनमें सच भी होता है। गाइज, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कौन कौन सी बातों को अनुभव करके बताया। वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 4 मिनट के अंदर वीडियो को समेटूंगी, एक एक पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी, कुछ सीक्रेट रिवील भी होगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, एकदम सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। यहाँ बात करते हैं हम किसी चीज़ के स्मेलिंग सेंस के ऊपर, यहाँ चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे आमतौर पर बहुत सारे बदलाव होते हैं हमारे शुरुआती दिनों में, कह सकते हैं कि पहले महीने से लेके चौथे महीने के बीच में। जैसे क्या क्या बदलाव होते हैं, चुनिंदे बदलाव ऐसे हैं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, थकान होना, किसी किसी को वॉमिटिंग होना, कह सकते हैं खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं लगना, जो स्वाद है ना वो मेटालिक सा आना, मतलब कि कुछ अजीब सा लगना, कड़वापन जीभ के ऊपर रहना, ये बहुत सारे चेंजेज हैं जिस दौर से हम गुजरते हैं। इस दौरान एक और चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो है हमारा स्मेलिंग सेंस, नोज का स्मेलिंग सेंस बढ़ जाना। कितना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब कि कंसीडर कीजिए किचन में कुछ बन रहा है, ठीक है, घर में सभी लोग एक बेड पे बैठे हुए हैं, एक रूम में टीवी देख रहे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन जिस लेडी की प्रेगनेंसी चल रही है ना, उसे सबसे पहले पता चलेगा कि किचन से किस चीज़ की स्मेल आ रही है, क्योंकि स्मेलिंग सेंस बढ़ना ये गॉड की तरफ से बनाई हुई चीज़ें हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा उस दौरान नोटिस करते हैं, जिस कारण से देखिए प्याज और लहसुन को इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करूँगी। देखिए, इसमें हमेशा से एक स्मेल होती है, हमेशा प्याज भी स्ट्रॉन्ग होता है, लहसुन भी होती है। मैंने एक बार गलती से लहसुन है जो पिसा हुआ लहसुन मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर, उसको ढका नहीं, जल्दी में हो गया, बस अगले दिन पूरे फ्रिज का हर एक आइटम थोड़े थोड़े से लहसुन के स्मेल जैसा लग रहा था, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है एक अच्छे खासे एरिए को। ये सेम चीज़ें होती हैं, हमेशा से स्ट्रॉन्ग है प्याज और लहसुन, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ें हो जाती है किचन में इस चीज़ को बनाना और करना, जिसे लेकर ओल्ड वाइफ्स जो है वो संकेत बताने लगती हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि डिपेंड करता है स्मेलिंग सेंस आपकी बढ़ने की वजह से, हॉर्मोन्स में चेंजेज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में अप एंड डाउन्स के कारण हम मल्टीपल बायोलॉजिकल चेंजेस को अपनी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत थोड़े थोड़े टाइम के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ के अभी तो शुरुआती समय चल रहा है आपका, जब प्रेगनेंसी का 7, 8 या 9 मंथ होगा ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ बस ऐसी ही चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते जाओगे। गाइज, अभी आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन से मंथ के अंदर, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगी, कोई आपका सवाल होगा, तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आप पूछ सकती हैं। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।